ये व्हाट्स अप पीपल ऑफ द इंटरनेट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया तो होगा ही ना, क्योंकि तुम्हारा भाई वापस आ चुका है एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन एमजी बेला का गाना दैट इज कन्फेशन, एंड थंबनेल में ही इज एट द टेबल, सब डार्क है बस उस पर ही लाइट है, एंड आई थिंक ही इज होल्डिंग ए पिस्टल टू हिज नेक, एंड वो कुछ तो कन्फेस करना चाहते हैं। सो वो तो गाना सुन के ही पता चलेगा कि वॉट डज यू वॉन्ट टू कन्फेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जम्प इन टू द रिएक्शन। सो हियर वी गो, लेट्स सी बेला क्या कन्फेस करना चाहता है। दिल में सब दबा चुका किसी से, बात नहीं करता मुझको इस दुनिया से, कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गैस ये खूनी मेरे अंदर एक घर बना के रहता है, आई फील हिम, ये शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं। लो जान ले लो, अगर ये ठीक लगे मैं शांत खड़ा रहूं, या फिर कहीं सुनी बात बना रहा हूं, किसी की आवाज बना रहा हूं, ये पागल है जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं ऐसी पे। वेट, ये एक्चुअल में सेट है कि बैकग्राउंड है? बिकॉज़ वो लाइट ज्यादा नेचुरल नहीं रखना, बट या दैट डजंट मैटर। शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं। जान ले लो, अगर ये ठीक लगे मैं शांत खड़ा रहूं, या फिर कहीं सुनी बात बना रहा हूं, किसी की आवाज बना रहा हूं, ये पागल है जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं ऐसी पेन, ये इतना ग्रीफ, ये इतना बोझ जीना चाहते हैं। मैं मायूस हो जाता हूं जब ये चीजें मेरे सामने आती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, रातें सोना चाहती हैं, मां के ताने खाती है, बस कर यार। मैं लायक नहीं हूं, गायक नहीं हूं, शायर नहीं हूं, वाकिफ नहीं हूं, शामिल नहीं हूं, हाजिर नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं यार, मैं पागल नहीं हूं, इस जन्म तो शायद मैं किसी के भी लायक नहीं हूं। थोड़ी दारू पीने बैठा तो कोई याद आ जाए, किसी बेवफा का कॉल मेरे फोन पे आ जाए, उसे इतना कोसूंगा कि आंखें उसकी भी हो नम, मेरे एक एक घूंट में सुरूर आ जाए, आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए। बेहोश हूं, मेरी माँ को ये कौन बोले कि मैं दुखी था या फांसी लेने वाला था, मेरी बहन बैठी कोसेगी कि भाई तू तो जीत कर लाने वाला। What the fuck? कुछ ज्यादा ही डीप जा रहा है बेला ब्रो, ब्रो सुसाइडल थॉट्स पे ब्रो। असल में कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, सभी किसी को। सो बेसिकली जितना मुझे लग रहा है कि गाने का थीम ये है कि सॉरी फॉर दैट, सो गाने का थीम ये है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है लोगों पे, एंड आई थिंक कि बेला इज ट्राइंग टू कन्फेस कि भाई वो कर पाया नहीं कर पाया, बट आई थिंक इज वो उस पर कन्फेशन है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि कुछ पूरा कर पाते हैं कुछ नहीं पूरा कर पाते, एंड थिंक कि वही चीज़ पे अभी तक तो गाना वही चीज़ पे चल रहा है। कुछ नहीं मानते, आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दे, मना कर खुद को मेरी जीत में शामिल होने से, या तो तोड़ दे ये नफरत और अभी हमें एक होने दे, मैं लिखूं जैसा भी, मेरी माँ को मुझ पे नाज होने दे, मेरी जिंदगी को जो भी श्राप मिले उसे दीपक सिंह एक ए बेला के नाम होने दे, या तो मशहूर होने दे या तो बदनाम होने दे, इस लहू का रंग मिट्टी में मिलके कूड़ा होने दे, समाज की सोच को कूड़ा मत होने दे दोस्त, मुझे अकेला मत छोड़, बचपन से मेरी सादगी काबू नहीं है, आशिक हूं तो धोखे खा के जिंदा रहना लाजमी भी है, मेरी शायरी और जैसी आम नहीं है, माफी मेरी अगर शायरी है तो किसी की भी आम नहीं है, ये तेरा ब्रो। दैट वाज नाइस। मेरी शायरी बाकी की तरह आम भी नहीं है, बट मेरे दोस्त शायरी किसी की भी आम नहीं है ब्रो, क्योंकि एवरीवन इज देयर टू टेल समथिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस, उनके शायरी में व्हाट एवर दे राइट, व्हाट एवर दे क्रिएट, दे आर देयर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, दे आर देयर टू टॉक अबाउट दैट पर्सपेक्टिव ऑन दैट टॉपिक, देयर पर्सपेक्टिव ऑन दैट टॉपिक। लोकल दोस्तों से मेरी बातचीत नहीं है, दूर के दोस्तों के पास छोटे भाई के लिए टाइम नहीं है, आई फील अलोन, मैं इस जंग में इतना सह के वापस जाने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ऐसे लोगों से जो आज भी उन गलियों में हंसा कर रहे हैं, कोई नहीं दोस्त, हम जीतेंगे एक दिन, हम जीतेंगे, ये बातें तेरे मेरे बीच में रख, क्योंकि सच्ची है तो कड़वी होंगी, यू नो इट, आई स्टिल विश फॉर ह्यूमैनिटी, आई स्टिल विश फॉर गुड फ्यूचर, इससे पहले ये सब खुद में लड़के हो जाएं डिस्ट्रॉय, आई ब्लेम इट ऑन मी, आई ब्लेम इट ऑल ओनली ऑन मायसेल्फ, क्योंकि राख बन के किसी के सवाल का जवाब तो ना दूंगा, आखिर मर गया तो यकीन रखना मेरे जैसा कभी दोबारा ना दूंगा, ये हकीकत है ना, मेरी कायनात को पता है मेरा नसीब कितना सटीक है ना, मेरे ब्रेन में एक मशीन है ना जो मेरे दिल की ना सुने। Wow, the hell, bro? अभी I was like कि bro गाना end होने को आया and like end हो जाएगा, but there is Bella with his versatility. Like there he is trying to sing and अच्छा अभी भाई अच्छा तो sound किया and I was not expecting that.
ब्रो, अगर मैं कभी ये गाने को वापस रिविजिट कर रहा हूँ, दैट इज ओनली फॉर दिस पार्ट ब्रो, दिस पार्ट. सो ब्यूटीफुल राइटिंग एंड सो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड ब्रो. Okay, so that was a very beautiful song from Bella, and there are some deep shade bro. Dil se likha hai jo bhi likha hai, dil se bola hai jo bhi bola hai, it is straight from the heart. And wo ek mindset agar tum log samajh sakte ho artist ka nahi, but ek dusre insaan ka jab ek mindset samajh sakte ho na, so you will also understand that song. And very beautiful. मुझे end का part तो एकदम भाई unexpected था, and it was so beautiful कि ना मैं अगर वापस कभी ये revisit कर रहा हूँ song only for that purpose, अगर मैं कभी ये song मेरे Instagram के stories पे डाल रहा हूँ तो that is for that section की like that is beautiful bro, that is beautiful. And I just love the song. Music video में और थोड़ा कुछ होना चाहिए था, because एक ही जगह पे बैठा है, and because जो पिछले म्यूजिक वीडियो आया था घर वाले, एंड और एक दो म्यूजिक वीडियो दैट वाज घर वाले, देन वंडर बॉय, बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियोस था. सो ये भी मैं थोड़ा होप्स हाई रख के चला था कि म्यूजिक वीडियो है, सो बट एक ही जगह पे शूट किया है, सो म्यूजिक वीडियो के लिए नॉट दैट, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड, बट गाना वॉज ब्यूटिफुल. एंड That's it for this reaction, guys. I hope you love the reaction. Make sure you hit that subscribe button, and I'll come up with another reaction. Okay, bye-bye.